लाइव आ जाए। क्लास लाइव हो चुकी है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो भी बच्चा वाला पोर्शन है वो स्टार्ट कर देंगे। अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारे ट्रांस उसके जो मेन चरण है उनको पढ़ना हम लोग अभी स्टार्ट कर देंगे। अगर आप आवाज क्लियर दिखाई सुनाई पड़ रहा है हर चीज, तो एक बार भाई कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दे ताकि हम आगे पढ़ाएं, आगे स्टार्ट कर दिया जाए। एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर आपको दिखाई सुनाई कमेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज आगे क्लास जो हम बताया, मैं 3 हैं उनकी 2 हेडिंग पढ़ ली थी हम। एसिड सक्रिय होना दूसरा अच्छा जवाब क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन जो मुख्य स्टेप है। लिखेंगे अनुदन के मुख्य तीन चरण होते हैं, चरण होते हैं। जो हमारा अनुवादन है उसके बेसिकली कितने होते हैं, मुख्य 3 चरण होते हैं। अब उन तीनों चरणों को हमें एक एक करके स्टार्ट करना है। तो तीन कौन कौन से, एक बार याद, जो हमारे रेप्लिकेशन में थे वही सेम यहाँ पर है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर था हमारा समारंभन, दूसरे नंबर पर था दीर्घाकरण या विस्तारण, समापन। तो आज हम लोग कर रहे हैं हम लोग समापन। तो पहली हेडिंग रहेगी हमारी पॉलीपेप्टाइड समापन। तो पहली हेडिंग है हमारी श्रृंखला समारंभन। इंग्लिश में इसको कहते हैं चेन इनिशिएशन। अब चेन इनिशिएशन जो हमारी श्रृंखला समारंभन है, इस श्रृंखला समारंभन के अंदर क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और किस तरीके से श्रृंखला समारंभन होता है, ये हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। तो श्रृंखला समारंभन भाई स्टार्ट किया जाता है। तो बेसिकली श्रृंखला समारंभन होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें जरूरत होंगी वो जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के दौरान एमआरएनए बना था, अब उस एमआरएनए के ऊपर होनी है क्या श्रृंखला समारंभन, यानी श्रृंखला का बनना क्या कर देंगे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से होती है। तो पढ़ लिया भाई, टीआरएनए के ऊपर हमने अमीनो एसिड को बैठा दिया, एक्टिव भी कर दिया, एटीपी अपनी भी खर्च कर दी, और कहा था बन गया था हमारा कौन सा एंजाइम की मदद से बना था अगर याद हो आपको। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट कर दिया था। मान लीजिए हमारा इस तरीके से एक एमआरएनए बन करके तैयार हो गया, ये 5' है और ये 3' है।
सबसे पहले क्या होता है कि ये अगर कोई एमआरएनए है तो इस एमआरएनए के ऊपर क्या होंगे, अनुवांशिक कोडान लिखे होंगे। अनुवांशिक कोडान क्या होंगे, पाए जा रहे होंगे। कौन कौन से अनुवांशिक कोडान है, मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा अनुवांशिक कोडान हो गया यूएसी, यूएसी ये हो गया हमारा एयूजी, और इसी तरह मान लिया हमने आगे चल के यू यू यू, इसी तरह और चाहे और मान सकते हैं हम लोग, अगर और क्या मान सकते हैं, अगर माने हम लोग जी यू जी, जी यू जी मान लीजिए ये लिखा है, और फिर लास्ट में लिखा है यू ए ए, और फिर यहां पर लिखा है सी सी यू यू, इस तरीके से हमारा एमआरएनए के ऊपर लिखा हुआ है। अब इतनी चीजें हमारी लिखी हुई हैं, तीन न्यूक्लियोटाइड का सेट जो है एक जेनेटिक कोडान बनाता है, तो तुम्हारा एक अनुवांशिक कोडान ये हो गया, एक अनुवांशिक कोडान ये, एक अनुवांशिक कोडान ये, इस तरीके से हो गए। अब हुआ का, अब हमेशा आपको याद रखना है समारंभन के कोडान दो ही होते थे, अगर याद हो आपको एयूजी, तो हमारा एयूजी होता था समारंभन कोडान, इसका मतलब यहां से हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगी ट्रांसलेशन की क्रिया, और खत्म कहां पर होती थी, तीन होते थे हमारे समापन कोडान यूएए, यूएजी और यूजीए। देखिए इन तीनों में से कौन सा मिल रहा है, तो देखा हमने यूएए मैच कर रहा है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा जहां से स्टार्ट होता है एयूजी से स्टार्ट होगा हमारा, तो एयूजी से जो है इस तरीके से हमारा इस तरीके से राइबोसोम की छोटी इकाई जुड़ जाती है। कौन सी इकाई जुड़ जाती है, राइबोसोम की जो छोटी इकाई है वो आकर के जुड़ जाती है हमारी, और साथ में ही बहुत सारे क्या लगते हैं, इनिशिएशन फैक्टर लगते हैं। तो राइबोसोम की छोटी इकाई की जरूरत है, और कहां से कहां, 5' से 3' की ओर क्या होते हैं, ये जुड़ते हैं आके, और साथ ही साथ में राइबोसोम की ये क्या क्या बना दी है, छोटी इकाई। अगर आपको याद हो तो राइबोसोम इस तरीके से बनाकर दिखाया जाता था 12th के अंदर, 11th के अंदर, तो ये हो गई छोटी इकाई। यही इतनी सी इकाई हमने उठाकर यहाँ पर जोड़ दी। अगर 80S वाला राइबोसोम होगा तो ये 40 होगा, अगर 70S वाला होगा तो हमारा कौन सा होगा, ये 30S। तो इस तरीके से राइबोसोम की छोटी इकाई जुड़ गई यहाँ पर, और साथ में ही हमें क्या क्या आवश्यक होता है, यहाँ पर हमें जरूरत होती है एनर्जी के रूप में जीटीपी की जरूरत होती है, Mg+2 आयन की आवश्यकता होती है, और काहे की जरूरत होती है, राइबोसोम की जरूरत होती है, लिखेंगे राइबोसोम की नीड होती है, और कुछ होते हैं हमारे इनिशिएशन फैक्टर। तीन तरीके के ऐसे कारक होते हैं जो शुरुआत करते हैं, तो IF1 होता है उनका नाम, IF2 और IF3, इस तरीके से तीन इनिशिएशन फैक्टर जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तीन इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत है, जीटीपी की जरूरत है, Mg+2 आयन की जरूरत है, और साथ में काहे की जरूरत है, राइबोसोम की। और अगर याद हो तो ऐसा टीआरएनए चाहिए जिसके ऊपर अमीनो एसिड जुड़ा हो, और उस टीआरएनए को क्या कहते थे, चार्ज्ड टीआरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए, या फिर हिंदी में कहते थे इसे सहलग्न आरएनए, सहलग्न टीआरएनए। तो इतनी चीजें हमें आवश्यक हैं, और ये कहां पर आकर जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है 5' की ओर। अब यहां से लेकर के यहां तक होना है ट्रांसलेशन, तो इसको कह देते हैं ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन यूनिट, और इससे पहले तो ट्रांसलेशन होगा नहीं इतने वाले भाग में, तो इसे कह देते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, और यहां पर भी नहीं होगा इसी तरह ट्रांसलेशन, तो इसे भी क्या कह देते हैं, यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। एक बार भाई इसको देखिए अच्छे तरीके से क्या क्या है, फिर इसको हम लैंग्वेज के रूप में इसको लिखवाएं, बोर्ड पर भी लिख दें क्या क्या चीजें जरूरत है।
फिर अब क्या होता है, अब इनिशिएशन होगा कैसे भैया, जैसे ही यहां पर लार्जर सब यूनिट जुड़ती है आकर के, यहां पर लार्जर राइबोसोम की बड़ी वाली इकाई जुड़ती है, और बड़ी वाली इकाई के अंदर लिखेंगे जो बड़ी इकाई है, लार्जर सब यूनिट है, इसके अंदर दो साइट पाई जाती हैं। एक होती है हमारी पी साइट और दूसरी होती है हमारी ए साइट। एक होती है पी साइट और दूसरी होती है हमारी ए साइट। पी साइट का नाम होता है पेप्टाइडल, पेप्टाइडल साइट पी से, और ए का मतलब होता है एमिनो एसाइल साइट। अब जैसे ही हमारी राइबोसोम की बड़ी और छोटी इकाई एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, यही क्रिया, यही हमारा क्या कहलाता है, समारंभन कहलाता है। और 5' से किधर जाएगा ये हमारा राइबोसोम, 3' की ओर, तो ये होने लगता है समारंभन की क्रिया, इतनी ही होती है। तो क्या बताएंगे समारंभन की क्रिया में क्या क्या आवश्यक होती है, कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के दौरान यानी अनुवाद अनुलेखन की क्रिया के दौरान बने एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम की छोटी इकाई और 3 फैक्टर और Mg+2 GTP और चार्ज tRNA, संलग्न tRNA आकर के जुड़ते हैं, यह आवश्यक होती है। और जब जैसे ही राइबोसोम की बड़ी इकाई आकर के जुड़ती है, जैसे ही राइबोसोम की बड़ी इकाई एमआरएनए पर जुड़ती है, और इनिशिएशन की क्रिया क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लार्जर सब यूनिट में क्या होती है, दो साइट होती है, एक पी साइट होती है और दूसरी ए। पी का मतलब पेप्टाइडल साइट और ए का मतलब अमीनो एसाइल साइट। तो अब इसको लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि भाई लिखना बहुत जरूरी है, लिखने ही वाला मेन प्रोसेस होता है। तो इसको हम बिगाड़ के यहां पर अपनी लैंग्वेज में लिख दिया जाए इसको। ये फोटो आपको बनानी होगी, ये वाली, ये बिगाड़ दे रहे, यहां पर लिख लेंगे हम लोग। यहां पर हम लिख दे रहे हैं, आपको आसानी हो जाएगी। ये समारंभन में लिख रहे हैं, एम आर एन ए के 5' सिरे पर, एम आर एन ए के 5' सिरे पर, एम आर एन ए के 5' सिरे पर राइबोसोम की छोटी इकाई समारंभन कोडान को पहचान कर, समारंभन कोडान AUG को पहचान कर जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। फिर लिखेंगे समारंभन के लिए अब क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या चीजों की जरूरत होती थी, GTP, Mg+2, समारंभन के लिए GTP कामा Mg+2 कामा 3 फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं, IF1, IF2 कामा IF3, इनिशिएशन फैक्टर GTP और चार्ज tRNA, चार्ज tRNA की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। जैसे ही राइबोसोम की बड़ी इकाई राइबोसोम
बड़ी इकाई एमआरएनए से जुड़ती है, तो समारंभन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, पूर्ण कंप्लीट हो जाती है, नहीं पूर्ण हो जाती है। कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे भैया? पूर्व समारंभन कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देंगे? पूर्व समारंभन कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को पूर्व समारंभन कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दिख रहा है आपको सबको? ठीक, फिर लिखेंगे राइबोसोम की बड़ी इकाई में, दो साइट होती हैं, पहले इतना भाई आप लोग लिख लीजिए, नंबर एक पर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक बार जो है कमेंट कर दीजिए, हम आगे बढ़े। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो कमेंट कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए भाई। अगर आपने भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक बार भैया कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ ठीक, अब इसको हम बिगाड़ रहे हैं पूरा। एक लाइन और बची है, राइबोसोम की बड़ी इकाई में दो साइट होती हैं, दोनों साइट के नाम लिखेंगे फिर अगली हेडिंग में चलेंगे। ये भाई टॉपिक हमारे बहुत ही कठिन वाले चल रहे हैं, इसीलिए हमने अपना जो चैप्टर है 12th में पहला ही चैप्टर बहुत कठिन उठाया था, क्योंकि ये भाई अगर हो जाएगा तो तुम्हारी बहुत सारी चीजें इसी से क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक में ये यूज होगा, हर एक चैप्टर में लगभग यूज होता है। राइबोसोम की दो साइट होती हैं, उसी में लिख लेना है नंबर एक पी साइट, नंबर दो लिख लेना है बी पर ए साइट, और पी और ए साइट दोनों के नाम लिख लेना है। पेप्टाइडल साइट कहते हैं पी को, पेप्टाइडल साइट, और ए का मतलब एमिनो एसाइल साइट। ये होती है दो साइट। फिर अगली हेडिंग डालेंगे चेन इलांगेशन, विस्तारण। तो नंबर दो हेडिंग रहेगी हमारी श्रृंखला विस्तारण, चेन इलांगेशन। लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बार ये बता दीजिए, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? हर किसी के पास डाउट तो नहीं है? एक बार कमेंट कर दीजिए भैया, क्योंकि ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही टफ वाले टॉपिक, बेसिकली जो है बोर्ड में कोई इसको पढ़ाता ही नहीं है, ऐसे ही हल्के में पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हर एक चीजें क्लियर हो जाए।
ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क तो है, पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला विस्तारण, चेन इलोंगेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब श्रृंखला विस्तारण के अंदर क्या होगा? हमने बताया था कि जो हमारा, मान लीजिए किस तरीके से हमने बनाया था, अब हम लोग दूसरी स्टेप, दूसरी हेडिंग पढ़ रहे हैं। तीन हेडिंग पढ़नी है, एक हेडिंग हो चुकी है हमारी, दो और बची हैं। दो ये बहुत छोटी छोटी सी मेन हेडिंग वही थी हमारी। अब 5 डैश हमने ये यहाँ पर लिखा था एमआरएनए पर, और 3 डैश यहाँ पर लिखा था। कहा था ये होता था हमारा यूसीसी, कुछ भी मान लो, यहाँ पर था AUG और यहाँ पर था UUU, इस तरीके से था। फिर कहा था यहाँ पर लार्ज छोटी वाली इकाई जुड़ी थी और यहाँ पर बड़ी वाली इकाई जुड़ी थी। और फिर बताया था कि दो साइट होती हैं, एक साइट हमने ये बना ली और एक साइट हमने तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये बना ली। इसे कह दिया हम लोगों ने पी साइट और इसे हम लोगों ने कह दिया ए साइट। अच्छा, पी साइट AUG नाम का जो अनुवांशिक कोडान होता था ये मेथियोनिन बनाता था, और मेथियोनिन से लदा हुआ टीआरएनए साइटोप्लाज्म में यहां कहीं पर उपस्थित होगा, तो वो टीआरएनए आएगा, मान लीजिए ऐसे रफली बना दिया, ये आ गया हमारा टीआरएनए, बना लिया इसको। और टीआरएनए अपने साथ लेकर आया है मेथियोनीन अमीनो एसिड, मेथियोनीन आकर जुड़ गया। अब फिर यू नाम का क्या है जो हमारा, UUU नाम का है, UUU वाला जो हमारा बनाता है एमआरएनए, सॉरी जो UUU नाम है हमारा, ये बनाता है समझने के लिए फिनाइल एनानाइल नाम का अमीनो। तो यहाँ पर फिनाइल एनानाइल जुड़ गया। अब ये दोनों जुड़ गए। अब एक अमीनो अम्ल, ये मान लीजिए अमीनो अम्ल और ये मान लीजिए अमीनो। अब इन दोनों अमीनो अम्ल के बीच में क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पर क्या लगेगी, हमें एंजाइम की आवश्यकता होगी बंद बनाने के लिए। मान लीजिए कोई एक एंजाइम लगा दिया, पेप्टाइडल, कोई भी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज या ट्रांसलोकेज, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, हमने राइबोजाइम या किसी भी प्रकार का एक एंजाइम जोड़ दिया। अब जैसे ही ये दोनों अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो ये वाला जो राइबोसोम है, यहाँ पर और बहुत से कोडान पाए जा रहे थे GUG इस तरीके से, तो ये राइबोसोम उठ करके आगे बढ़ जाएगा 5' से 3 डायरेक्शन से, यहां से उठ करके यहाँ पर आ जाएगा हमारा राइबोसोम, और यहां से ये टीआरएनए निकल कर बाहर हो जाएगा इस तरीके से, और मिथियोनिन इससे जुड़ा हुआ हमेशा रहेगा। तो ये वाली पी साइट हो जाएगी, ये ए साइट हो जाएगी हमारी यहाँ पर खाली, यानी पी साइट भर जाएगी, पी साइट की जगह पर आ जाएगा फिनाइल, और मिथियोनिन जो है ये खाली तरीके से उड़ता रहेगा हवा में, यहाँ पर तैरता रहेगा, और ए साइट हो जाएगी खाली, और ए साइट में आकर के कौन जुड़ जाएगा, हमारा GOG। फिलहाल एक बार इसको समझने की कोशिश करिए, ये जो है अगले वीडियो के अंदर पूरा विधिवत पढ़ाया जाएगा अच्छी तरीके से। यहाँ इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमारे जो ये हेडिंग्स हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ही कठिन है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, फिलहाल अगर इतना किसी में डाउट है तो रखते हैं, अब वीडियो इससे ज्यादा आज नहीं पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाया गया इसको एक बार पूरा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लीकेशन, हर एक चीज जो है क्लियर कर लीजिएगा, बार बार घर में रिवाइज करिए। अगर किसी को डाउट हो अभी तो पूछ लो, आगे नहीं बढ़ेंगे, आज इतना ही रखेंगे, ये अगले दिन ये वाला स्टेप पढ़ाएंगे क्योंकि फिर बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। चलिए बताइए भाई, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं?
चलिए फिर क्लास को रोका जाता है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।